आप हाथों को मलिए और अपने आंखों पे इस तरह से आराम से धीरे धीरे तो इस तरह से आप अपनी बॉडी को तंदुरुस्त रख सकते हो। पूरे दिन भर आपका दिन जो है बिल्कुल तंदुरुस्ती से बीतेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको महसूस होगा, कंफर्टेबल होगे आप, सुस्ती नहीं, सुस्त महसूस नहीं करेगी, मतलब कहने का मतलब फ्रेश, एवर फ्रेश रहेगा बिल्कुल, आपको काम करने की एनर्जी मिलेगी योगा वगैरह करने से, इसलिए योगा बहुत ज़रूरी है यार। और भी कई योगा है, टांगों के है, इस तरह से सारे हैं, पेट को कम करने के योगा है, मेन है पेट को कम करने के, सबसे बड़ी बीमारी पेट ही होता है, पेट से ही बीमारी लगती है, अदरवाइज आपकी टांग बाजू वगैरह सिर में कहाँ उतना होता है, पेट और सिर दो चीज़ें इनसे जो बीमारियाँ फैलती है। आपका डाइजेस्ट सिस्टम बिल्कुल सही होना चाहिए, आपका खाने का टाइम बिल्कुल A to Z बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे से ज़्यादा टाइम आगे पीछे नहीं होना चाहिए खाने का। सपोज करो आप 8 से 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, तो आप 8 से 9 बजे ब्रेकफास्ट आपका होना चाहिए, और आप 1 से 2 बजे लंच करते हैं, तो 1 से 2 बजे आपका लंच होना चाहिए, आप डिनर करते हैं 7 से 8 बजे तक आपका डिनर 7 से 8 बजे होना चाहिए। अगर आप 8 से 9 ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे और आप 10 से 11 बजे करेंगे, तो आपका जब आप लंच टाइम आएगा तो वो आधा ब्रेकफास्ट आपका बचा होगा वहाँ तक, जब आप उस टाइम में करेंगे तो कब उससे क्या होता है कि आपका पाचन शक्ति बिगड़ जाती है। पाचन शक्ति को बिल्कुल सही रखने के लिए आपको बैलेंस डाइट के साथ साथ टाइम बहुत ज़रूरी है, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मान लो सपोज करो आपकी टाइमिंग, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपका जैसे लंच का टाइम है, लंच का टाइम 1 से 2 बजे तक है, आपने 1 से 2 बजे नहीं खाया, आपने 3 बजे लंच खाया है 3 बजे, और शाम को आप 7 से 8 8 से 9 बजे आप डिनर करेंगे, जो 3 बजे आपने खाया है, 1 घंटा लेट खाया है, तो वो 8 बजे तक पचना चाहिए, वो घंटा वो नहीं पचेगा, 1 घंटा उसके लिए पचने के लिए है रहा आपका, तो वो आपने फिर ऊपर से और खा लिया, ऊपर से और खा लिया तो डबल होगी ना आपकी इसमें अंदर, तो इससे आपकी पाचन शक्ति खराब हो जाती है। इसलिए टाइम शुड बी मस्ट, टाइम बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, सिर्फ 10-15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा, इससे ज़्यादा आगे पीछे टाइम नहीं होना चाहिए, बाकी एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आप 1 घंटा करते हैं तो 1 घंटा बहुत हो जाता है दोस्तों, इसी तरह। हाँ, अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट 9 से 10 बजे करते हैं, आपने 7 बजे कर दिया, 1 घंटा पहले कर दिया, और लंच आप 1 से 2 बजे करेंगे, तो जब 1 बज जाएगा आपको, 1 घंटा पहले ही आपकी जो है पेट में पेट खाली हो चुका होता है 1 घंटा पहले ही, तो आप उसको आप 1 बजे के बाद लंच करेंगे, 1 घंटा पहले ही आपका पेट खाली हो चुका, उसे आपकी बॉडी में वीकनेस आएगी, उसे आपकी पाचन शक्ति खराब नहीं होगी, उसे आपकी बॉडी में वीकनेस आएगी। इसलिए पूरे मंथ में कम से कम 80 से 90% जो है ना एक्यूरेट टाइम में खाना खाना चाहिए, वैसे तो 100% है, फिर भी अगर हो जाता है कई बार, ऐसा कुछ नहीं है ज़िंदगी में, फिर भी 80-90% तक आप जो है बिल्कुल टाइम टू टाइम खाना खाए,
ये चीज़ें होती है। फिर उसके अनुसार पानी, पानी बहुत ज़रूरी है, कम से कम 4-5 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। कोई नहीं पीता, हम भी नहीं पीते, कोई बोलते सारे पीते नहीं, पर पीना चाहिए। पानी जितना ज़्यादा आप पियोगे उतनी बॉडी आपकी बिल्कुल मेंटेन रहेगी। पानी पीने से आपकी बॉडी में निखार भी आएगा और आपकी पाचन शक्ति भी अच्छी होगी और आप मलमूत्र जैसे जाते हैं वो भी टाइम टू डाइम, ये चीज़ें होती है, काउंट करती है। इस मतलब कहने का होता है टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। टाइमिंग से आप हिल जाओगे, हट जाओगे, कहीं आगे पीछे कर जाओगे तो तभी हमारा जो है इम्यूनिटी सिस्टम ख़राब हो जाता है, तभी हमारी डाइजेशन पावर ख़राब हो जाती है, तभी हम जो है बीमारी के शिकार हो जाते हैं। पेट में आपकी बीमारियां पैदा होती है तभी आपके मतलब इस तरह से। अगर हम बैलेंस डाइट चलो, अगर बैलेंस डाइट सबको तो खैर मिलती नहीं है, बैलेंस बोलना आसान होता है, बहुत लोग गरीब है उनको एक वक्त का खाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, दाल रोटी सिर्फ मिलती है बेचारे को, उनको उनको कहाँ बैलेंस डाइट मिलेगी यार। बैलेंस डाइट आपको पता, बैलेंस डाइट में तो कई चीज़ें होती है जो आपके शरीर को बैलेंस रखती है, तो उस तरह से उनको नहीं मिल पाती है। फिर भी उनका टाइम ज़रूरी है, टाइम टू टाइम वो खाए, डट के खाए, और डट के भी इतना नहीं खाना चाहिए। आपको अगर 5 रोटी 6 रोटी की 6 चपाती की भूख है वैसे, और आपको 6 चपाती के बदले 5 चपाती 1 चपाती कम खानी चाहिए, उससे भी आपका डाइजेशन ठीक होता है। अगर आप ओवर खाएंगे, ओवर ईटिंग करेंगे तो उससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। ये चीज़ें काउंट करती है हर चीज़ें, बार बार नहीं, बार बार नहीं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको आप जंक फूड खिलाते हो, कभी कुछ खिला दिए, कभी कुछ यार, ये पैकेट वाली आइटमें सब खतरनाक है, बहुत डेंजरस। इसमें आप अपनी अमीरी मत दिखाओ, इसमें आप अपनी अमीरी मत दिखाओ, ये सब खतरनाक चीज़ें हैं। फ्रेश जो फूड है आपको वो लेना चाहिए, ये चीज़ें खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। पता नहीं कहाँ बनी, कैसे बनी, क्या है इसके अंदर, पता नहीं क्या है, जैसा लिखा था उसके अंदर वो चीज़ है कि नहीं है, कुछ नहीं, ये चीज़ें खराब है। इसलिए आप जो अपने घर में शुद्ध खाना बनता है वो चीज़ें बच्चों को भी खिलाए और उसी चीज़ की आप हैबिट डालें। जैसे आप कुरकुरे खाएंगे, अगर आप चिप्स खाएंगे, चिप्स से आप घर में भी बना सकते हैं, अपने बनाए हुए चिप्स आप बच्चों को खिलाएं। मार्केट की कोई भी पैकेट, जिसमें पैकेट बंद आइटम होती है वो चीज़ें डेंजरस होती है हमारी बॉडी के लिए। आप पुराना ज़माना देख लो, प्योर चीज़ खाते थे तो वो 80 से 90 साल तक तो ऐसे होते थे, तंदुरुस्त होते थे वो, आज तो 40 साल से ऊपर जो ना बूढ़ा हो जाता है इंसान। क्यों? हमारा खान पान बिगड़ चुका है। इसलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये पैकेट वाली चीज़ें आप छोड़ दो, आप फ्रेश खाओ। आपके घर में फ्रिज होता है, आप ये मत सोचो कि फ्रिज अच्छी चीज़ है, हम आटा गूंद के 2 दिन के लिए रखेंगे, ये भी खतरनाक है यार। बर्फ़ बनती है फ्रिज में, बर्फ़ लोग बर्फ़ शेक बनाते हैं तो उसमें बर्फ़ डालते हैं। आपको ये पता है ये बर्फ़ कौन सी है? क्या ये नेचुरल बर्फ़ है? ये बनी हुई चीज़ें है, गैस से बनी हुई चीज़ें है, ये आपको खतरनाक चीज़ से बीमार करेगी। ये चीज़ें सब खतरनाक है। आपका प्रेशर कुकर, बुरा नहीं मानना आप लोग, प्रेशर कुकर जो होता है वो भी खतरनाक है घर के अंदर, बहुत डेंजरस। उसमें बोलते हैं खाना स्वादिष्ट बनता है और खाना जल्दी बनता है, कुछ जल्दी नहीं बनता। इसके अंदर जो खाना आप दाल डालोगे वो प्रेशर, इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है अंदर, वो दाल फट जाती है, पकती नहीं है। जिस दाल को पकने के लिए आधा घंटा या 1 घंटा लगता है वो 10-15 मिनट में पका देता है, पकाता नहीं है, वो फाड़ता है, दाल फट जाती है आपकी। दाल फट गई तो वो पक गई समझो, और एक्चुअल में वो पकी हुई नहीं होती है। जितना जिस चीज़ को टाइम लगता है उतना उस तरह से पकाना चाहिए खाना भी। इसलिए वो खाना हम अगर खाएंगे जिसमें जो पूरा टाइम लेता है, अगर उस तरह खाना खाएगा तो हमारी बॉडी बिल्कुल फिट रहेगी। अगर आप इस तरह का खाना खाओगे जिसमें प्रेशर कुकर में फाड़ने का काम जो करता है, प्रेशर से फट जाती है वो चीज़ें, उसको आप खाओगे तो आपको पता ही है उसका रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। वैसे कुछ खा लिया, ये सारी खतरनाक चीज़ें हैं हमारे लिए। इससे बेटर तो सिंधा नमक है, दूसरा झील सांभर का नमक जो होता है वो अच्छा नमक होता है, उसको आप खाए, क्योंकि वो मिलना वैसे मुश्किल है। बोलते तो हम उपदेश तो बहुत देते हैं पर मिलती नहीं चीज़ें। और उसके बाद आपका रिफाइंड बहुत जहर है, खतरनाक है, रिफाइंड भी बहुत जहर चीज़ है आपके किचन के अंदर। वो आपको पता है किस तरह से उसको तेल को बनाया जाता है, किस तरह से गर्म किया जाता है, उसकी जो पावर होती है वो ख़त्म की जाती है, आपको जहर मिल रहा होता है। रिफाइंड के अंदर सबसे बढ़िया तेल होता है राइस ब्रैन ऑयल, सबसे टॉप का ऑयल होता है वो। वैसे तो ऑलिव ऑयल सबसे महंगा तेल अच्छा है, पर वो बहुत ज़्यादा महंगा है, वो आम इंसान नहीं खरीद सकता, बहुत ज़्यादा महंगा, वो तो 400-500-600 या शायद कई जो प्योर है वो 1000 रुपये से कम नहीं मिलता। तो जो ये तेल है राइस ब्रैन ऑयल है, ये महंगा है तेल, महंगा तो है, 3-4
100 रुपये किलो लीटर रहते हैं, पर इसकी क्वांटिटी लगती भी बहुत कम है, बहुत कम क्वांटिटी इसकी लगती है। तो एज इट इज, जैसे आपके 4 पाउच आपके दूसरे तेल लगे तो ये 2 पाउच ही लगेंगे, तो बात वहीं आ जाती है। सबसे अच्छा तेल है, फिर आप कोई सरसों का तेल है अच्छी ब्रांड का हो तो वो आप लो, बाकी ये जो पाम ऑलिव ऑयल है ये भी डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक तेल है। तेल से हमारी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ उत्पन्न होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। तेल कम ही खाए, तेल कम ही। और मार्केट का घी, जिसको घी बोलते हैं ना आप, घी नहीं हो, जहर है वो भी, जहर है वो, प्योर घी नहीं होता, वो नकली घी होता है। मार्केट का अगर घी खाना है तो आप शुद्ध देसी गाय का घी खाए, जो हमारी गाय होती है देसी इंडियन गाय, उनका घी खाए, वो आपको अच्छा रहेगा। अगर आप मार्केट से घी खाते हैं तो वो जहर है, कभी अजमा लेना उसको, जो पीला देखने के लिए होगा तो उसको उबाल देना अपने घी को, और सुबह के लिए वो सफ़ेद हो जाएगा घी, वो सब मिलावटी चीज़ होती है। इसलिए ये चीज़ें भी आप मत खाए, खानी तो शुद्ध चीज़ खाओ। हमारा खान पान ही खतरनाक है, तभी तो हम इस वक्त बीमारी के जकड़ में हो चुके हैं। और आपका मैदा भी डेंजरस है, मैदा भी खतरनाक है, और चीनी भी खतरनाक है। मैं आपको बताऊँ, चीनी भी जहर है, चीनी की जगह आप गुड़ जितना मर्जी खा लो, गुड़ से आपके शक्ति मिलती है, गुड़ सबसे अच्छी चीज़ है, गुड़ जितना मर्जी खा लो आपकी जो है जो शुगर की बीमारी है इससे इसमें बिल्कुल नहीं लगेगी। चीनी तो बीमारी की जड़ है, चीनी भी खतरनाक है, या खांड होती है उसको खा लो आप, जो ये चीनी है खतरनाक है। वैसे तो गेहूं का आटा भी खतरनाक है, इसकी जगह ज्वार बाजरा बहरा ऐसे आटे होते हैं, वो बड़े ताकतवर होते हैं, जौ मक्की इस तरह के आटे, ये गेहूं का भी खतरनाक है आटा दोस्तों, याद रखो आप। तो ओके दोस्तों, बहुत लंबा हो चुका है ब्लॉग, इसलिए क्लोज करते हैं, आपको मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, सी यू द नेक्स्ट ब्लॉग।